बड़ा ही बुरा लग रहा है क्योंकि सोचा कि उसे भी दर्शन कर लेते हैं बाद में, कहाँ मौका मिले या ना मिले। जय माता दी। अगर ऐसा हुआ कि 4 बजे खोलेंगे तब तो ये था हमारा पोपट। इतने दूर आए हम और मंदिर ही बंद है। ओहो सुंदर बनाया देखे। वो रहे जुदानी मंदिर यहाँ से ना हमने ट्रैवलिंग किया इतना ऊपर है पहाड़ पे। तो यहाँ का पोपट होने के बाद बड़ा ही बुरा लग रहा है क्योंकि इतनी दूर आने के बाद मंदिर के दर्शन नहीं हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट अपने जगह पे जहाँ हमने डिसाइड किया था, यहाँ से चलते हैं। बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, आई होप दर्शन हो जाते तो बड़ा मजा आता, लेकिन क्या करें टाइम गलत है और शाम को 5 बजे खुलेगा। तो अब चल रहे हैं हम कहीं और। कोई जाना नहीं जाता, रिटर्न आना खाली पड़ता है, उधर से भाड़ा मिलता है। बड़ा अजीब सा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तोड़ फोड़ क्यों दिया यहाँ पर, पता है दुकान थी सारी यहाँ पर खाने की ये नॉल सब कुछ तोड़ दिया है। दिन कितने दिन कितने सालों बाद आया ऐसा लग रहा है। तो हम आए हैं अरनाला बीच पे जो विरार से बहुत नजदीक है और नाला सुपारा से बहुत नजदीक है। यहाँ पे बीचेस बहुत सारे हैं, नाला सुपारा में भी है, कलम बीच, क्योंकि सारे बीचेस ज्वाइंट है तो बस अलग अलग नाम दे दिया है। अरनाला बीच, रजवाड़ी बीच, कलम बीच,
तो हमारे नालासोपारा में कलम बीच है और ये विरार में अरनाला बीच है हमारे। हाँ वसई से कहाँ इतना दूर है, वसई नालासोपारा के बीच में ही है। पानी तो यार आपका बहुत गंदा है, बहुत गंदा, मैं नहाने लायक नहीं है। बस आगे आके साइड में शूट करो, वीडियो बनाओ और पानी के थोड़े बहुत मजे लो। शाम को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, सनसेट का व्यू रहता है ना, बहुत ही शांत सब व्यू रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है। जूहू चौपाटी, मरीन लाइंस, मतलब यहाँ पे लास्ट में कुछ दिखेगा ही नहीं क्योंकि सारा सब ज्वाइंट है। उसके साइड साइड का जो किनारे है उसके अलग अलग व्यूज बना दिए गए, फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं आप, 20 रुपए का तुरंत बना के दे देंगे। ऊँट की राइड भी ले सकते हैं, मतलब बहुत ही दूर तक है, बहुत ही बड़ा है, वहाँ से लेकर पूरा राउंड में है। यहाँ के आखिरी तक जाएंगे तो वही कलम बीच, रजवाड़ी बीच, वही आ जाएगा, मतलब बहुत दूर तक है। यहाँ पे गंदगी भी बहुत है क्योंकि सब लोग फूल हार फूल ये सब इसी में लाके डाल देते हैं, साइड साइड में बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। कई सालों बाद बीच के दर्शन हो रहे हैं। एक मंदिर और एक ये जगह, तो पागल हुई औरत, ए चप्पल गया तेरा, जा। तो हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं लेकिन बिचारी मेरी बहन ऐसा लड़के एकदम थक गई है, वो बहुत ज्यादा थक गई है। बैठना हाँ, वो हमने अपने शूज कहाँ निकाले? तो मिला जुला के बहुत मज़ा आया यहाँ पर कलम बीच, मुझे यहाँ के ऐसे प्लेसेस बड़े पसंद, तो मन करता है यहाँ पे आने का। तो 2-3 साल हो गया मुझे यहाँ पे आके, 3 साल हो गए आज यहाँ पर आए, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। और रही बात रिव्यू की, मतलब बस भी आती है यहाँ पे, आपको कॉस्टली पड़ेगा रिक्शा, रिक्शा भी कॉस्टली पड़ता है, बस बहुत इसलिए जो भी है बहुत अच्छा है ये प्लेस। और मज़ा ही आ गया, काफ़ी दिनों के बाद ऐसी जगह घूमने को मिला तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे शूट भी होते हैं, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, शादी के शूट्स होते हैं, मतलब जो कॉर्नर साइड में खाली एरिया है जहाँ पे पब्लिक नहीं आती है वहाँ पे शूट हो रहे हैं। यहाँ पे मेरी भी प्री वेडिंग की शूट कुछ इसी तरीके की जगह पर हुई थी, बट यहाँ पर नहीं, आगे साइड और विरार के आगे साइड हुई थी, हम लोग गए थे वहाँ पर शूट के लिए प्री वेडिंग के। तो अच्छा प्लेस है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे शाम को लगता है, एकदम सनसेट का जो टाइम होता है वहाँ पे बहुत अच्छा है। अभी तो बहुत धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा, और पता नहीं कितने दिन के बाद धूप लगता है, मेरे सर पे पड़ रहा है तो उसकी वजह से सर में बड़ा दर्द भी हो रहा है। अब चलते हैं यहाँ से, अब घर डायरेक्ट, अब कहीं नहीं जाना है आज का, बस हो गया कोटा पूरा आज। बहुत मज़े कर लिए, बहुत घूम लिए, बहुत मज़ा आया। घूम कर आने का हाल कैसा लगा बच्ची, मजा आया? खाएंगे गोला, बहुत ही दिनों बाद, ये अपना है नहीं, बच्चों का है।
फ्लेवर भी बता दे उनको, मेरे को मिक्स बना दे। नहीं मेरे को भी मिक्स है ना, मस्त लगता है। स्टार्ट स्टार्ट मस्त एकदम ना। हमको पता चला है कि कपड़े में रेत भर चुकी है और ये गिफ्ट जाने वाला है बहुत ही जल्दी, है ना? कैसे निकालोगी बच्ची? पानी में डालें, निकलेगा शायद। अरे रेत थोड़ी घुलता है। अबे जैसे घुसा है रेत उसी से, पानी से तो घुसा है, पानी से निकलेगा ना। उतना देर पानी में डाल के रखोगी? देखते हैं, काटना पड़ेगा। कपड़े के अंदर घुस गया अंकल, गिला रहेगा तब तो नहीं निकलेगा। चलते घर पे गोला के साथ। अच्छा सा गाना लगा एकदम मस्त अंकल। बाय बाय अनला बीच, खुदा नहीं कब मिलेंगे अब। तो हम आ गए अपने घर, आधा घंटा लगा हमें, है ना, रिक्शा से डायरेक्ट रिक्शा लिया हमने और डायरेक्ट घर के। बहुत फास्ट चलाया, मस्त कार बजा दिया ना और टाइम पास हो गया। अब जाके आराम करेंगे, आँखों में हो रही है जलन, खा के लिपस्टिक उग गई अंदर पेट के अंदर। सुबह निकले थे कैसे दिख रहे थे, अभी कैसा दिख रहा है ना हालत। और आपका खोलो खोलो भाई खोलो। फैशन अपनी जगह, चप्पल का कंफर्ट अपनी जगह। खुलती क्यों नहीं है? आधे घंटे से खचरा रहे हम लोग, बकवा।